इंडस्ट्रियलिस्ट मुकेश अंबानी को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही है। किसी अज्ञात ईमेल से अंबानी से फिरौती की मांग करते हुए उन्हें मारने की धमकी दी जा रही है। 31 अक्टूबर को एक बार फिर से अज्ञात ईमेल से उन्हें धमकी मिली है, जिसमें 400 करोड़ की फिरौती की मांग की गई है। बता दें कि एक हफ्ते के अंदर अंबानी को ये तीसरी धमकी मिली है। इससे पहले 27 अक्टूबर को मुकेश अंबानी को जान से मारने की धमकी के साथ 20 करोड़ रुपए की मांग वाला ईमेल आया था, जिसमें आरोपी ने ये भी लिखा था कि उसके पास देश के सबसे अच्छे शूटर्स हैं और फिरौती नहीं देने पर वो अंबानी को जान से मार डालेगा। इस घटना के बाद मुकेश अंबानी के सुरक्षा प्रभारी ने गामदेवी पुलिस स्टेशन में इसको लेकर एफआईआर दर्ज कराई थी। वहीं दूसरा ईमेल 28 अक्टूबर को भेजा गया था, जिसमें फिरौती की रकम 200 करोड़ रुपए की थी। मांग करते हुए आरोपी ने कहा था कि पिछले ईमेल का जवाब नहीं देने के कारण रकम बढ़ा दी गई है। अभी आपने हमारे ईमेल का जवाब नहीं दिया, अब रकम 200 करोड़ की है, नहीं तो डेथ वारंट साइन हो चुका है। वहीं 31 अक्टूबर को फिर से मुकेश अंबानी को इसी तरह का धमकी भरा ईमेल मिला है, जिसमें लिखा है कि अब रकम 400 करोड़ की है और पुलिस मुझे ट्रैक या गिरफ्तार नहीं कर सकती है। चाहे आपकी सुरक्षा कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, हमारा केवल एक स्नाइपर ही आपको मार सकता है। बता दें कि अंबानी को ये तीनों ही ईमेल एक ही आईडी से भेजी गई है। शादाब खान के नाम से ये ईमेल अंबानी को भेजा जा रहा है और पुलिस की छानबीन में पता चला है कि ईमेल आईडी का पता बेल्जियम का है। पुलिस का मानना है कि धमकी देने वाला किसी और देश से हो सकता है, यह गुमराह करने के लिए बेल्जियम के वीपीएन का इस्तेमाल कर रहा है। वहीं इस धमकी के बाद मुंबई पुलिस ने अंबानी के साउथ मुंबई आवास की सिक्योरिटी बढ़ा दी है और मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच और साइबर टीमें ईमेल भेजने वाले का पता लगाने में जुट गई है।